आपका जेएमडी न्यूज में मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। बैठक के बाद सीएम दिल्ली होंगे रवाना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक जवान सर्च ऑपरेशन में घायल। बीच बिहार में 2-3 आतंकी छुपे होने की सूचना। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज हवा बारिश के साथ मौसम में हुआ सुहाना। कन्नौज फतेहपुर समेत कई जिलों में बारिश ने दी दस्तक। फतेहपुर में तेज बारिश के चलते 20,000 क्विंटल गेहूं भीगा, व्यापारियों में नाराजगी का माहौल। मंडी स्थल में गेहूं के बोरे रखने की पर्याप्त जगह नहीं। और सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां दादा नगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरे फैक्ट्री में लगी आग। आग ने बगल की 5 फैक्ट्रियों को चपेट में लिया। भीषण आग को काबू करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर में लगी है भीषण आग, जहां फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। आपको बता दें कि आग ने अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को चपेट में लिया, जिसको काबू में करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें, आग इतनी भीषण थी कि अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। आग को काबू करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। आग ने अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को चपेट में लिया। भीषण आग को काबू करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर। आपको बता दें, गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादानगर का यह मामला, ये विजुअल्स आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं आप, जहां दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयावह थी कि अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जिस तरह से आप देख रहे, कितनी भयावह ये आग है, जिसको काबू करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दादानगर फैक्ट्री एरिया की 5 कचरी फैक्ट्री में यह आग लगी। आग का यह एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितनी भयावह ये आग है। आग इतनी भयावह थी कि अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग को काबू में करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, दादानगर फैक्ट्री एरिया में 5 कचरी फैक्ट्री में लगी आग। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां आग ने अगल बगल की 5 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि भीषण आग को काबू करने के लिए 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद में देर रात को तेज आंधी के साथ हुई तेज बारिश से मंडी स्थल में खुले आसमान के नीचे रखा 20,000 क्विंटल गेहूं भीग गया। बरसात के कारण भारी मात्रा में गेहूं के भीग जाने के चलते व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है।
आपको बता दें, व्यापारियों का कहना है कि मंडी स्थल में गेहूं रखने के लिए पर्याप्त टीन शेड नहीं है, जिसके कारण उनका गेहूं और अन्य गल्ला भीग जाता है। इस संबंध में गल्ला व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश गांधी ने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस समस्या को बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया, जबकि अतिरिक्त टीन शेड की जरूरत है और जिसमें गल्ले को रखा जा सके। और इस तरह से बारिश के चलते हुए नुकसान की वजह से व्यापारियों में खासा रोष है। आपको बता दें, तेज बारिश के चलते 20,000 क्विंटल गेहूं भीग गया, जिसकी वजह से व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है। बिनकी के मंडी स्थल का यह मामला, जहां तेज बारिश के चलते भीगा 20,000 क्विंटल गेहूं। आपको बता दें कि इस नुकसान के चलते व्यापारियों में खासा रोष है और बता दें कि गेहूं के बोरों को रखने की पर्याप्त जगह नहीं है, टीन शेड की मांग की जा रही है। और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ बताएंगे, व्यापारियों में रोष है, क्या कुछ स्थिति है? ये सिंदकी कस्बे की गल्ला मंडी है और यहाँ पर भारी मात्रा में व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है जी। और यहाँ पर जो पर्याप्त जो टीन सेट है वो पर्याप्त रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण करीब 20,000 क्विंटल गेहूं मैदान में रखा हुआ है मंडी स्थल पर। और कल रात को तेज आंधी के साथ जो तेज बारिश हुई, उसके कारण करीब 20,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया, जिसको लेकर के व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है। व्यापारियों की मांग है कि टीन सेट अतिरिक्त लगवाए जाए, ताकि हम लोग अपना जो गेहूं खरीद करते हैं वो सुरक्षित रखा जा सके जी। जैसे कि हर बार का ये समस्या है, हर बार की समस्या है, गेहूं हर बार होता है, बारिश भी हर बार होती है, कितनी बार उन्होंने अपनी समस्या को अधिकारियों तक रखा और उनकी तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया? जी, ये समस्या हर बार यही आती है, जब जब बरसात आती है ये समस्या आती है। और व्यापारी लगातार जिलाधिकारी से और यहाँ के उप जिलाधिकारी से हर बार शिकायत करते हैं, लेकिन अभी तक शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया है। हर बार केवल व्यापारियों को आश्वासन मिला है। व्यापारियों कह रहे हैं कि हम यहाँ का टैक्स देते हैं और लेकिन सुविधा के नाम पर कोई चीज नहीं दी जाती है जी। बिल्कुल, जिस तरह से इस मामले पर नुकसान यहाँ पर हुआ है, व्यापारियों का रोष भी उनका जायज है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या वजह रही कि मात्र टीन शेड न लगवाने के चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ, जवाब क्या दिया उन्होंने? जी, व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है और अधिकारी अभी फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के अधिकारियों में नाराजगी है। वहीं अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी की पेशा दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे इस खबर पर। आपको बता दें कि बिनकी के मंडी का ये मामला, जहां तेज बारिश के चलते 20,000 क्विंटल गेहूं भीग गया, व्यापारी को नुकसान हो गया, जिसके चलते व्यापारियों में खासा रोष है। आपको बता दें कि लगातार व्यापारी इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए टीन शेड की मांग करते आ रहे हैं और पर्याप्त टीन शेड न होने के चलते व्यापारियों को ये बड़ा नुकसान हुआ। बढ़ती अगली खबर की ओर, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में पर्यटन विकास को संकल्पित डीएम शेषमणि पांडे ने भगवान कामतानाथ पर माथा टेक कर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएम ने जल्द ही धर्म नगरी के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को विकसित कर पर्यटन को रोजगार से जोड़ने की बात कही और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसमें बरहा के हनुमान मंदिर के सामने के नाले की सफाई, परिक्रमा मार्ग की मरम्मत, पान व गुटके के पीक का न होना और बावली को पुनर्जीवित करना और साथ ही रामायण सर्किट का अधूरा काम पूरा करना आदि शामिल है। कानपुर बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर आपको बता दें कि बैठक की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए।
इस अवसर पर सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि सदस्यता अभियान हर 3 साल में होता है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सदस्यता के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बूथ व जिले के चुनाव प्रदेश नेतृत्व में होंगे और इसके साथ ही 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। हमारी सदस्यता को लेकर के ये हमारा एक निरंतरता में चलने वाला कार्यक्रम है। हर 3 साल पर पार्टी की सदस्यता होती है और सदस्यता के बाद संगठन का चुनाव होता है। उसी के लिए आज तैयारी की किस प्रकार से हमारी सदस्यता का कार्यक्रम चलना चाहिए, किस प्रकार से आगामी 21 जून को योगा दिवस है जिसपे कार्यक्रम होना चाहिए और किस प्रकार से हमारे आगे संगठन के चुनाव होने चाहिए, उसको लेकर के हम एक कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे महिला अपराध पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या इन विरोध प्रदर्शन से महिला अपराध पर लगाम लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। महिला सुरक्षा पर जब जेएमडी न्यूज की टीम ने कुछ महिलाओं से बात की तो अलग अलग तर्क निकल कर सामने आए, जिनमें से कुछ लोगों ने कहा कि कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है, तो कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबरों पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए और क्या कानून बनाने चाहिए? जो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उस पर हमेशा पूरा करना चाहिए। इट डजंट मैटर कि कोई पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है या वो बहुत पावर है, तो अपने रूल्स को तोड़ दें। फॉर एनी की कॉल की है अगर किसी ने किसी को गवर्नमेंट के लिए, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, उसको और अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें कभी भी किसी भी जगह नीड है उनकी, तो हम लोग कॉल करें तो इंस्टेंट एक्शन भी होना चाहिए। जगह जगह मतलब ये बताना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, और महिला को घर पे नहीं बिठाना चाहिए, उन्हें भी ये बताना चाहिए एजुकेशन क्या है, उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो भी मतलब अपने लिए स्टैंड ले सकें, ताकि महिला लोगों को दूसरों की ज़रूरत ना पड़े खुद के स्टैंड के लिए, वो भी अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। फैमिली सपोर्टर तो ज़रूर होने चाहिए घर पे, और जैसे बहुत सारी होती हैं महिलाएं कि एजुकेटेड तो होती हैं लेकिन उनको मतलब बॉन्डिंग में रखा जाता है कि नहीं आपको बाहर नहीं निकलना है, ये चीज़ नहीं करना है, तो मतलब आपको एक जरिया होना चाहिए उनको फैमिली मेम्बर्स को कि हम लोग आगे उसको बढ़ाएं, और जितना ये सब जो हो रहा है, इतनी घटनाएँ हो रही हैं, इन सब के लिए भी उनको वो करें, इन्वॉल्व करें कि मतलब हाँ ये सब चीज़ें कितनी गलत फूल हो रही हैं, आपको पावरफुल बनना चाहिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपर लीग आजकल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से खेली जा रही है। 8 जिलों में खेली जा रही इस लीग में ग्रामीण परिवेश में आई टीमों को इनामी राशि से सम्मानित किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों को इस भव्य प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा और पूरे प्रदेश के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में हर जगह फाइनल में जाने वाली टीम को एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन की ओर से नगद इनाम, ट्रॉफी, मेडल, किट आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। कबड्डी का मैदान दुधिया रोशनी में ऐसे चमक रहा था मानो मैदान पर एशियन पेंट्स की एस इमल्शन ही लगा दिया हो। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अविस्मरणीय दृश्य था, जिसमें देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी ने आगे बढ़ चढ़कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन ने खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर आए हुए दर्शकों के लिए इनाम की व्यवस्था की है। एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स पर खास 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, इसलिए दर्शकों के लिए खास तरीके से बनाए गए सूचना केंद्र पर एशियन पेंट्स ने अनेक प्रकार के खेल खिला के विजेता दर्शकों को कई आकर्षक उपहार दिए। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन भारत सुपर लीग का अगला चरण तमिलनाडु में खेला जाएगा। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड होटल्स, द मॉल, कानपुर। वो कुछ भी कहें,
आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध कर रहे हैं, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना के राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में जेएमडी न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रतिमाह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। आप देख रहे आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में इन दिनों बिजली बाजार काफी गर्म है और दरअसल बाजार में इन्वर्टर की बिक्री बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल 2 गुना बिक्री हुई है। बिजली के बार बार आने जाने की वजह से लोग इन्वर्टर की जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसके साथ ही बिजली की कम खपत के पंखे कूलर की भी डिमांड बढ़ी है। क्योंकि बिजली की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर आपसे कुछ पहलू रखना चाहता हूं कि बिजली की समस्या आजकल आप देख रहे होंगे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, साथ में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी, कब बत्ती आती है, काफ़ी देर तक गायब रहती है, कुछ भरोसा नहीं है। बिजली का मीटर और बिजली का जो आपका बिल है वो वैसे ही बढ़ चढ़ के आ रहा है और शायद रेट्स और बढ़ाई जा रहे हैं सरकार द्वारा, और इसमें लाइट मतलब लाइन लॉस वगैरह ना हो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह ना हो, इस तरीके से कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि ये जो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ये ख़त्म हो सके। इन्वर्टर की तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जहाँ हम लोग के यूज़ होते थे 58%, अब वो कम से कम 90% हो गया है और आज की डेट में इतना कंपटीशन भी हो गया इन्वर्टर में कि अलग अलग कंपनी ने अपने अलग अलग रेट के हिसाब से लॉन्च भी किया है और गर्मी की प्रॉब्लम की वजह से बढ़ोतरी तो हुई है। कानपुर के पनकी में डंप कूड़े के निस्तारण के लिए 5 कंपनियां सामने आई हैं। आपको बता दें इन 5 कंपनियों ने अपने अपने प्रस्ताव नगर निगम को दे दिए हैं, जिनके बाद अब नगर निगम इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम जल्द ही इनमें से एक कंपनी को चिन्हित करने के बाद उसे कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी दे देगा। आपको बता दें कि A2Z कंपनी द्वारा हाथ पीछे खींच लेने के बाद से यहां पर लाखों टन कूड़ा एकत्र हो गया है जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और उनके पास 100% फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन कम पैसे में भी वो बाहर एब्रॉड जा कर के अच्छे से अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के यूक्रेन की, यूरोप कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी कारण से यहाँ एडमिशन नहीं हो पाता या एब्रॉड की चाहत का एटमोसफियर उनको चाहिए होता है, वो वहाँ जा कर यूक्रेन में बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है स्टडी का, बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगता है और बेसिकली मैं भी अपना BTech, MTech और रशियन लैंग्वेज मैंने यूक्रेन से ही किया है। मैं लोगों को रिकमेंड भी यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, बहुत अच्छा कंट्री है।
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पनकी बी ब्लॉक में रहने वाली महिला उषा देवी के घर बीते 11 जून को इलाकाई दबंगों ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने उसकी बेटी रेनू और किराएदार को घर से बाहर निकालकर पीट दिया। और उषा की बेटी रेनू ने बताया कि पनकी मंदिर तिराहे के पास रहने वाली महिला सुषमा यादव ने अपने भाइयों सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, रामेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार व अन्य लोगों के साथ 11 तारीख को उनके घर में घुसे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उषा के मुताबिक घटना की जानकारी पनकी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामले की सुनवाई ना करते हुए थाने से भगा दिया, जिससे दबंगों के हौसले और भी बुलंद हो गए। पीड़िता ने अपनी बेटी रेनू और किराएदार के साथ एसएसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। उषा देवी एक विधवा महिला है, पति खत्म हो गए थे, एक बेटी है, निजी मकान है पनकी में। पनकी की पुलिस से मिली भगत करके एक दबंग महिला और उसके भाइयों ने मिलके जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, इन लोगों को मारपीट करके घर से भगा दिया है। पुलिस कोई कार्रवाई पनकी की नहीं कर रही है। आज इन्होंने एसएसपी साहब के यहाँ पेश हुई हैं और एसएसपी साहब से अपनी बात कही है। और 11 जून को सुषमा यादव अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ और उसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके साथ ये जबरदस्ती उस मेरे मकान में घुस गई थी। हम लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट की। हमारे किराएदार भी हैं, उनके साथ भी उन्होंने अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, गाली गलौज की। पुलिस प्रशासन को मैंने फ़ोन किया, मैंने 100 नंबर डायल किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हम लोगों का कोई भी सहयोग नहीं किया। बोला आपका फैमिली मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएम न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गीत होटल।